इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा नहीं बल्कि एग्जांपल्स के तौर पर समझाऊंगा और बताऊंगा कि फाइवर गिग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है और ये होती क्या है और ये लगाई कैसे जाती है, फाइवर गिग रिक्वायरमेंट्स का क्लाइंट को क्या मतलब होता है और आप जो है ना इसे कैसे लगा सकते हैं और आप दोनों के दरमियान में ये करती क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ये ऑप्शन लगाया क्यों है और आप इसको अपनी गिग के रिलेटेड यानी कि जो आपकी गिग का टाइटल होता है उसे कैसे ढूंढ सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी गिग का टाइटल ये है और मेरी गिग की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको जो भी दिखाया जाता है वो अलग गिग का होता है, जैसा कि आपकी गिग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है तो उसकी गिग रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग होगी और लोगो डिज़ाइन की तो अलग होगी, डाटा एंट्री की तो अलग होगी, वर्डप्रेस वेबसाइट की तो अलग होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप जो है ना वो अपनी गिग के टाइटल से अपनी गिग रिक्वायरमेंट्स को कैसे खुद ही तलाश कर सकते हैं और आपको अपनी हर गिग के लिहाज से अपनी गिग रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाएगा और आप इसे अच्छे से लगा सकेंगे ताकि आपकी गिग में ये बहुत ही अच्छा ज़्यादा रोल प्ले करे। तो चलें चलते हैं अपनी गिग पर और सीखते हैं कि कैसे हम फाइवर की गिग पर अपनी गिग रिक्वायरमेंट्स को लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाली है हमारी गिग और अभी हम आए खड़े हैं रिक्वायरमेंट्स में। रिक्वायरमेंट्स का मतलब आसान अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊं तो इसका मतलब होता है ज़रूरत, यानी कि आपको काम स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसका सबसे पहले मतलब होता है कि आपकी गिग का टाइटल क्या है। जैसा कि हमारी इस गिग का टाइटल है आई विल क्रिएट बिजनेस और ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट, मतलब कि मैं इस गिग में क्या बना रहा हूँ, वर्डप्रेस की वेबसाइट। अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट्स में। तो रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि मुझे काम को स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहा हूँ तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, लाजमी सी बात है वर्डप्रेस वेबसाइट की लॉगिन डिटेल की, जिस तरीके की वेबसाइट वो बंदा बनवाना चाहता है उस तरीके का रेफरेंस और उस तरीके की हर चीज़। यानी कि जैसा कि अगर हम चलते हैं तो मैंने क्या यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने कहा है फॉर अ वेबसाइट टू वर्क वी नीड फॉलोइंग थिंग्स डिज़ाइन, मतलब कि हमें इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। और फिर मैंने आगे लिखा है रेफरेंस वेबसाइट, मतलब कि आप जिस किस्म की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हमें बताएं उस किस्म का डिज़ाइन। और फिर आगे लिखा है लॉगिन डिटेल, मतलब कि हमें डिटेल दें ताकि हम आपकी वेबसाइट में लॉगिन कर सकें और उसको बना सकें, साथ में होस्टिंग, साथ में नंबर ऑफ पैकेजेस, डिटेल और लोगो कौन सा ऐड करवाना चाहते हैं और इमेज और कंटेंट। आसान अल्फाज में ये मतलब इसका और रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि जब कोई भी बंदा मेरी गिग पर ऑर्डर प्लेस करे तो वो क्या चीज़ आपको दे ताकि आप काम स्टार्ट कर सकें। इसकी एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। जैसा कि ये गिग है डाटा एंट्री, तो मान लें कि ये आपकी गिग है डाटा एंट्री की। अब कोई बंदा आपको करता है यहाँ से कंटिन्यू, मतलब ऑर्डर प्लेस। अब मैं आपको ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो आपने आगे रिक्वायरमेंट्स लिखी होगी कि भाई मुझे ये चीज़ें दो ताकि मैं स्टार्ट कर सकूँ। अब डाटा एंट्री में क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं, मैं जब आपको ऑर्डर प्लेस करूँगा तो आपने यहाँ पर लिखा है वेब रिसर्च एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो मैं कहूँगा कि मैं आपको क्या चीज़ें दूँ आप। तो आपने गिग रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर ना आपने लिख के लगाया होगा, क्या लिख के लगाया होगा आपने कि मुझे डाटा एंट्री जैसा कि प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई मुझे बताओ किस किस्म की प्रोडक्ट की आप रिसर्च करवाना चाहते हैं, लिस्टिंग करवाना चाहते हैं, या किस किस्म की प्रोडक्ट की आप जो है ना वो डाटा एंट्री करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रोडक्ट का नाम बताकर ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। सिंपल ये मतलब होता है रिक्वायरमेंट्स का। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो लोगो डिज़ाइन, मान लें कि ये आपकी गिग है और आप यूनिक लोगो डिज़ाइन करते हैं, मैं आपको ऑर्डर देता हूं तो आपने यहां पर गिग रिक्वायरमेंट्स में जैसा कि ऐड न्यू क्वेश्चन करते हैं तो यहां पर दो तीन ऑप्शन आते हैं, एक लिखने का, यहां पर है फ्री टू टेक्स्ट, यहां पर है मल्टीपल चॉइस और यहां पर है अटैचमेंट। अगर जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है टेक्स्ट, तो यहाँ पर आप लिख दें, अब हमारा यार लोगो का, तो आप लिख दें कि भाई मुझे अपने लोगो का कलर बताओ, लोगो का डिज़ाइन बताओ, या जिस किस्म का लोगो आपके पास है मुझे वो सेंड करो ताकि मैं आपको लोगो का काम स्टार्ट कर सकूं। तो मैं आपको लोगो का अपना ब्रांड कलर बता दूंगा और डिज़ाइन बता दूंगा और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बता दूंगा, तो आप काम स्टार्ट कर सकेंगे। अब अगर इससे आगे जाते हैं तो आप जो है ना मल्टीपल चॉइस या अटैचमेंट भी कर सकते हैं कि भाई ये डिज़ाइन है मेरे पास, आपको कौन सा डिज़ाइन इनमें से पसंद आता है,
तो वो क्लाइंट यानी कि उसके पास अटैचमेंट आ जाएंगी तो फिर वो आपको रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पर इसमें करते हैं कैंसल इस तरीके का, जैसा कि ये है आपने लिखना कैसे होता है, आपने आना है यहाँ पर ऐड न्यू क्वेश्चन, यहाँ पे अपनी डिटेल लिख देनी है कि मुझे जो जो चीज़ें आपको चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद फ्री टू टेक्स्ट है, अगर दो तीन सवाल लिखना चाहते हैं मल्टीपल तो वो लिख दें, वैसे ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ यही फ्री टू टेक्स्ट लिखा होता है। इसके बाद ऐड करेंगे तो ये देखें आपका एक और ऐड हो गया, अब इसे रिमूव करना चाहते हैं कर देंगे सिंपल रिमूव, और सेव नाउ करेंगे तो ये आपकी गिग में जाएगा लग। और जब कोई क्लाइंट जैसा कि कंटिन्यू में करता हूँ, अब यहाँ पे क्या आता है मुझे, ठीक है इतने पैसे मैं दे दूँ, ठीक है एडिशनल डिलीवरी ये सारा कुछ, जब मैं पैसे दे दूँगा उसके बाद मेरे सामने आएगा कि ये चीज़ें दो ताकि वो बंदा जो है ना वो काम स्टार्ट कर सके। ये देखें ये आपकी हर चीज़ बाकी आ गई, लेकिन रिक्वायरमेंट्स थोड़ा सा आगे जा कर के आएंगी तो फिर मैं वो आपको दूंगा और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी कि गिग रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। फिर भी कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि फाइवर पर कौन सी गिग है जिसको क्रिएट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है उसके ऊपर क्लिक करें।